हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट पायल रोहतगी अक्सर अपने दिए बयान की वजह से लोगों के निशाने पर आ जाती हैं। हाल ही में उन्हें गांधी नेहरू परिवार पर आपत्तिजनक पोस्ट करने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन जेल की हवा खाने के बाद भी वो शांत नहीं बैठती हैं। अब उन्होंने दीपिका पादुकोण पर निशाना साधा है। जैसा कि सभी जानते हैं, जेएनयू में छात्रों संग हुई हिंसा को लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। ऐसे में बीते दिनों दीपिका भी छात्रों के समर्थन में उतरी और समर्थन के लिए वो जेएनयू पहुंची, जिसके बाद से ही मानो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया हो। लोग भी दो हिस्से में बढ़ चुके हैं। इसमें से एक हिस्सा दीपिका के इस बहादुरी की तारीफ करते हुए उनका फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरी ओर उन्हें लोग टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बताकर लगातार ट्रोल कर रहे हैं और उनकी फिल्म छपाक को बॉयकॉट करने की भी मांग कर रहे हैं। इसी लिस्ट में अब पायल रोहतगी ने भी सोचा होगा बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। उन्होंने भी दीपिका के बारे में बुरा भला बोलते हुए लिखा है, जहां दीपिका के पिता ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते, दूसरी तरफ दीपिका भारत को तोड़ने वाली फोर्स के साथ खड़ी है। आखिरकार दीपिका ने यह साबित कर दिया कि वो आलिया भट्ट की बेस्ट फ्रेंड है। #boycottchhapak। इतना ही नहीं, इसके अलावा पायल ने फिल्म के डायरेक्टर पर भी सवाल उठाते हुए लिखा है कि मेघना गुलजार ने दीपिका का ब्रेन वॉश किया है कि वो कुछ जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट से मिले जिन्होंने कैंपस में गुंडों को अंदर जाने दिया ताकि एबीवीपी छात्रों की आवाज को दबाई जा सके, जो चार नई सेमिनार के लिए रजिस्टर कर रहे थे। लेफ्टिस्ट गुस्से में थे क्योंकि उनका मिडनाइट पीने का प्रोग्राम रुक गया था। दीपिका मुझे इडियट लग रही है। वैसे आपको बताते चले कि कई लोगों ने दीपिका के जेएनयू पहुंचने के फैसले को महज एक पब्लिसिटी स्टंट बताया है, क्योंकि अगले दो दिन में उनकी फिल्म छपाक थिएटर्स पर दस्तक देने जा रही है, लेकिन जेएनयू में उनके दिए 10 मिनट उन्हीं पर भारी पड़ चुके हैं। वहीं पायल रोहतगी ने ना सिर्फ दीपिका को टुकड़े टुकड़े गैंग वाला बताया है, बल्कि आलिया भट्ट को भी अपने बयान में घसीटा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पायल रोहतगी से सवाल करते हुए लिखा है, उसके लेवल की बराबरी ना करो, अपना देखो मिस सीग्रेट। एक यूजर ने लिखा, तभी इसे जलन हो रही है, जलन के मारे इसने किसी को आंटी बुलाया तो किसी को जॉबलेस। बता दें कि दीपिका के सपोर्ट में अब तक स्वरा भास्कर, नीरज खैवान, अनुराग कश्यप जैसे स्टार्स ने अपनी आवाज उठाई है। वैसे इन सब पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुमने कहा डरता हूँ मैं ये मानता हूँ, उसने कहा पागल हूँ मैं ये जानता हूँ, मैं अपने सपनों के कातिल को पहचानता हूँ, आए दिन वो मुझे आईने में दिखता है। मैं अपने सपनों के कातिल को पहचानता हूँ, आए दिन वो मुझे आईने में दिखता है। सब कहते हैं मैं एक चेहरा हूँ, सब कहते हैं मैं एक चेहरा हूँ, पर मैं तो हिजाब में हूँ। रोज सुबह ढूंढने निकलता हूँ खुद को, पर मैं तो महताब में। रोज सुबह ढूंढने निकलता हूँ खुद को, पर मैं तो महताब में हूँ। क्या मैं मौलवी की दुआ हूँ या मैं आरती का धुआं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मैं
I don't want us to produce like a slate, like we have a lineup, like we have so many films coming up, and I want the process to be as honest as my process has been as an actor while I've chosen scripts. And that's going to be the process. And again, I don't want to sit here and sound like some, you know, like an experienced producer, because I'm not. I'm here to learn. I'm here to facilitate. I'm here to learn and imbibe. And wherever I can add value, I'm here to do that. I'm not going to pretend like I know everything. And I'm sure I'll make mistakes along the way. But the intent is to tell stories in the same way, or choose the films that we do in the same way that I've done as an actor so far. Just sir, ek last question bas meri taraf se. Yeah. Achha, last aapko hi milega. Uske okay. Pehle just the lady there was going to ask. Do you want to? Acha. Hi, this is Rishika from Koimui. Deepika here is clearly very emotionally attached to her character. But Vikrant, did you have any breakdown moment on the sets? Main thoda moti chamdi insaan hu. To be honest. What do you want? You are seeing Frank. Either. Pretend karo. आप मुझे रोते हुए देखना चाहती हैं. मैं too busy being angry, grumpy. Yes. हाँ मतलब I was a little grumpy all the time, because that not grumpy all the time on a light ऐसा नहीं है. मैं थोड़ा मोटी चमड़ी इंसान हूँ. Irritable. Not eatable. Yeah. Irritable. Yeah. तो बहुत सी चीजें हैं जो आलोक दीक्षित से जो इंस्पायर की थी इस किरदार के लिए अमोल, बिकॉज उनकी लाइफ में भी बहुत सी चीजें हैं जो उन्हें काफ़ी ऑक्यूपाइड रखती हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली. देर इज़ अ सर्टन स्टेट ऑफ माइंड. एंड बिकॉज यू आस्क दिस टू मी एज विक्रांत, डिड आई हैव एनी ब्रेक डाउन मोमेंट्स? आई जनरली डोंट टेंड टू ब्रेक डाउन सो ईजिली, बट येस आई डिड टेक बैक अ लॉट ऑफ थिंग्स बैक होम. आई स्टिल रिटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली थिंग्स दैट यू नो मेघना जी एंड आई स्पोक बिफोर और आफ्टर अ वाइल, क्योंकि एज एक्टर्स यू नो हम लोग वी आर प्रोबेबली द लास्ट बैंड ऑफ पीपल टू कम ऑन बोर्ड, बिकॉज द राइटर्स हैव रिटन द फिल्म, यू नो एवरीवन सॉर्ट ऑफ यू नो मेड द फिल्म इन देयर हेड. सो हमारा काम वैसे ही बहुत आसान हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग विद समवन ऑफ हर पेडिग्री. सो यू रियली आर वेरी श्योर ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एट द सेम टाइम. सो या तो आई डिड टेक बैक अ लॉट ऑफ थिंग्स विद मी व्हिच आर विद मी व्हिच विल प्रोबेबली ऑलवेज बी विद मी. बट नहीं यार, इतनी आसानी से नहीं रो पाता मैं. नहीं, आई हैव टू से दैट द थ्री ऑफ अस हैड द मोस्ट फन व्हेन वी वर शूटिंग आवर सीन्स टुगेदर. It was the most fun. Okay, now the last question. Mike to wapis kar dijiye. He was chivalrous enough to give it. Meghna ma'am.